मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइसेल्फ धर्मेंद्र गुप्ता। कोविड-19 के प्रभाव के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस महामारी से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसे में आप स्कूल आ नहीं सकते। इसको ध्यान में रखते हुए SBT पब्लिक स्कूल आपको एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसे आपका रीडिंग पॉइंट कंटिन्यू रहे। तो मैं हाई स्कूल में इस class-10th की बात कर रहा हूँ रियल नंबर से। रियल नंबर की अगर मार्क के अनुसार बात करें तो 6 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए यदि आपके बेसिक फार्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो इस रियल नंबर में सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जिसमें आप जानते हैं कि ऐसा सेट जिसमें ये नंबर्स कौन से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को आप नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स सिर्फ नेचुरल नंबर में यदि आप 0 और n इंक्लूड कर दें तो ऐसे सेट्स को आप होल नंबर्स कहते हैं। बात करते हैं इसके बाद इंटीजर में आपके जो नेचुरल नंबर प्लस के साथ में माइनस के और जीरो, इन सभी को एक सेट में रख देते हैं, एक साथ कलेक्शन कर देते हैं, तो यह जो सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर अथवा इंटीजर नंबर्स होते हैं। उसके बाद से आता है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ, PQ बिलोंग्स टू जेड, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे नंबर्स को आप रेशनल नंबर्स। और इसके बाद से आता है इरेशनल नंबर, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ, यानी कि जिसको PQ के रूप में आप नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर। आपने class-9th में भी रेशनल और इरेशनल क्या होता है उसको हम यहाँ class-10th में भी डिस्कशन करेंगे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और जो भी है रिकवरिंग, नॉन रिकवरिंग यानी कि रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन सब डिफिनेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पे अगले चैप्टर यानी कि आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंटीजर की। इस इंटीजर से रिलेटेड आपके सबसे पहले हाई स्कूल के जो बेस है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, किसी का SVF आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी क्वेश्चन दो इंटीजर्स में एक इंटीजर को कैसे डिविजन करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं इस सेट पे बात करता हूं और आगे आपको रेशनल और इरेशनल पे बात की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन पॉजिटिव इंटीजर को देखते हुए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। देखिए, तो हम इंटीजर में बात करना चाहते हैं सबसे पहले कि इंटीजर में कोई वैल्यू या किसी क्वेश्चन को या फिर SVF निकालना, LCM निकालना, इसमें आपने बेसिक क्लास में इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड्स ने अपनी क्या फिनोमेना दिया, इनके क्या लेमा। सबसे पहले हम इतना जान लेते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करते हैं। एक बार फिर सुनिए, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज किसी दूसरे थ्योरम अथवा दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यह लेमा है क्या, या यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पे देखना इसके स्टेटमेंट को। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है कौन कौन से, A and B, वेयर A इज ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, यहाँ पे जो यह लिखा हुआ है ऐसे आप लिख सकते हैं सच दैट, वो शॉर्ट फॉर्म था जिसको कभी कभी आप सच दैट या फिर देयर एग्जिस्ट जैसे यहाँ पे आया है, तो देयर एग्जिस्ट आपका सिंबल ऐसे भी बनाया जाता है, राइट किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है, आगे हम यूज भी करेंगे। तो सच दैट A इक्वल टू BQ प्लस R, किसी भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं A, B,
कोई एक बड़ा हो सकता है जो भी ग्रेटर है, तो उस ग्रेटर वाले को जब बी से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वाशेंट क्यूब और रिमाइंडर कितना हो जाता है आर। यहाँ पे आर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी, जीरो से ग्रेटर होगी, जीरो के इक्वल होगी, बट बी से लेस होगी। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही जो यहाँ पे फिनामिना है, इस फिनामिना को ही आप यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिवाइडेंडो इक्वल टू आपका डिवीजर इनटू क्वाशियंट और प्लस रिमाइंडर, ये आपका यदि थ्योरेटिकल बात की जाए तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वाशियंट प्लस रिमाइंडर। एग्जांपल की बात करते हैं, इसका एग्जांपल एग्जांपल हम कोई टू नंबर्स ए इक्वल टू 19 एंड बी इक्वल टू 6, देन आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो देखिए 19 एंड 6 इंटू 3 प्लस 1, इसको आप यहां पे यहां पे ए इक्वल टू 19 बी इक्वल टू 6, तो 19 इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस 1। यहां पे आपने देखा डिवाइड इंटू 6 से डिवाइड किया 3 टाइम्स 18, इसका रिमाइंडर 1, तो आप इस 19 को 6 इंटू 3 प्लस 1, यहां पे देख रहे हैं कि जो भी रिमाइंडर है यह डिवीजर से लेस है। यहां पे बात बोली गई है कि जो भी रिमाइंडर होगा डिवीजर से हमेशा लेस होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो यहां पे जो रिमाइंडर है वह ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होल्ड करेगा। आप एक अदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 36 ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू 5, जैसे यहां पे प्रेजेंट करेंगे दैट इंप्लाइज आप यहां पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 36 5 इंटू 7 प्लस 1। आप अनदर नंबर एनी वन चूज कर सकते हैं, तो आपने देखा कि 36 को 5 से जो 35 प्लस 1 36, यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में हम जानते हैं। तो ये रहा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके यूज तो बहुत सारे हैं, जब भी क्लासेस चलेंगे उसमें मैं आपको और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कोई भी इवन इंटीजर ऑड इंटीजर किस नंबर में कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, इन सभी के बारे में यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात की जाती है। उसी के अनुसार यूक्लिड्स ने अपना एक एल्गोरिथम दिया, उस एल्गोरिथम में इस लेमा का यूज करते हुए किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर में एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसमें इसका यूज है। और भी जो यूजेज हैं वो मैं आपको बताते रहूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम होता क्या है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पे सीधे सीधे इसकी यूजेज देखने को मिलेगा, और फिर और भी जो टॉपिक्स हैं इसके उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, उसके कहाँ कहाँ यूजेज हैं, तो हम यहाँ यूक्लिड्स एल्गोरिथम में बात कर लेते हैं कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम पहले होता क्या है और इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज क्या है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम की बात करते हैं, एल्गोरिथम होता क्या है, तो एल्गोरिथम आपका एक तरीके से वेल डिफाइंड स्टेप की सीरीज होती है जिसका यूज किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी भी नहीं मतलब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होता है, और उस स्टेप्स की एक सीरीज बना दी जाती है, वही सीरीज आपकी एल्गोरिथम कहलाती है। हम बात करते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम की, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है क्या, इसके हमारे फायदे क्या हैं, हम क्यों इसको रीड कर रहे हैं,
तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम में किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर की जो एचसीएफ फाइंड करने की मेथड है इन्हीं के द्वारा बताई गई है। तो इट इज ए टेक्निक टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए यह एल्गोरिथम यूज किया जाता है। वह एल्गोरिथम है क्या? द एल्गोरिथम इज एज फॉलो। हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट में आपके इफ ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर, अब यहाँ पे ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे ए बी कोई ना कोई एक दूसरे से ग्रेटर होगा, देन ए इक्वल टू बी की प्लस आर, जहां पे आर जीरो से ग्रेटर, आर इक्वल बट बी से लेस होगा। कैसे आपने बताया? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने शॉर्टकट लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंतर्गत आपने इसके अकॉर्डिंग आप ए इक्वल टू बी की प्लस आर आपने रीड किया भी कुछ समय पहले। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यह स्टेप फर्स्ट में जैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, स्टेप सेकंड की बात करते हैं। इफ आर इक्वल टू जीरो देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू बी, बट इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि आर की वैल्यू जीरो ना हो, देन अगेन अप्लाई डिविजन लेमा फॉर बी एंड आर। यदि आपकी यहाँ पे आर जीरो होती है तो यह जो डिविजन होता है बी एचसीएफ के वर्क करता है, लेकिन आर नहीं जीरो है तो इस बी और इस आर में आप फिर से डिविजन लेमा को अप्लाई करेंगे और स्टेप थर्ड तब तक इसको अप्लाई करते रहेंगे, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर जीरो, तब तक आपको करना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। द लास्ट डिविजन विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ, जो लास्ट डिविजन आएगा जब रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा उस समय आपको यहाँ पे लास्ट डिविजन एचसीएफ की तरफ वर्क करेगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल है लेकिन सबसे अच्छा आपको तब समझ में आएगा जब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम्पल के अनुसार आप इस क्लेट एल्गोरिथम को फाइंड आउट करेंगे या तो उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम जिसके द्वारा हम किसी टू पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए ए इक्वल टू 42 बी इक्वल टू 35 फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ फाइंड आउट करना है ए और बी का, तो आपको सिंस ए इक्वल टू या फिर आप देख सकते हैं गिवन दैट 42 एंड बी इक्वल टू 35 ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी है तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख दीजिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर हमेशा जीरो से ग्रेटर आर इक्वल लेस देन बी, 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। स्टेप फर्स्ट आपका रहा ये स्टेप। अब जो भी आर की वैल्यू आप यहां पे देख रहे हैं आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो सिंस आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आप स्टेप सेकंड आपने कैसे लिखा बाय यूक्लिड्स डिवीजन ले रीजन दे दें। यहां पे फिर से मैं अब स्टेप सेकंड में आर जीरो न होने के कारण इस रीजन से मैं फिर से डिवीजन लेमा को अप्लाई करना चाहता हूं किस किस के लिए बी एंड आर के लिए। अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 35 एंड 7 दैट इंप्लाइज 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस जी। आप यहां पे देखे हैं कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वह जीरो है, अब जैसे ही रिमाइंडर जीरो हो जाए आपको बताया गया कि जो लास्ट डिविजन होगा लास्ट बी की वैल्यू होगी वही एचसीएफ होगी, दैट इंप्लाई एचसीएफ ऑफ 42 35 इक्वल टू 7।
या इस एग्जांपल में इन दोनों का एचसीएफ कौन है 7। एक अनदर एग्जांपल आप यहां पे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इक्वल टू आप यहां पे कोई भी वैल्यू 24 एंड बी इक्वल टू 56, then you can write, क्या और भी इस्तेमाल ले सकते हैं, b equal to any one numbers 8 ही। तो सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं, सिंस एज ग्रेटर देन b, स्टेप फर्स्ट में अप्लाई करेंगे a equal to b की, तो 84 को आप लिख सकते हैं 8 into 10 plus 4। और यहां पे आप फिर से सिंस r equal to 4 is not equal to 3, that implies फिर इस 8 और इस 4 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, 8 equal to 4 into 2 plus 0। जैसे ही रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगा तो आप यहां पे बोल सकते हैं that implies SCF of 84 comma 8 equal to 4, last division will be SCF of these numbers, which numbers 84 and 8। तो एग्जांपल से मैंने आपके लिए छोटे-छोटे एग्जांपल्स दिए, आप और बड़े-बड़े नंबर के लिए SCF फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहां पे राइट कर रहा हूं, आप उनसे सेल्फ प्रैक्टिस करें। यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो जो भी SBT का कांटेक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, WhatsApp नंबर है, उस पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का सलूशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 or 2 days आपको मिल सकता है। तो आइए देखते हैं होमवर्क क्या है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म a equal to pq plus r where 0 is less than r equal to r is less than b, means आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हुए जो फॉलोइंग नंबर्स हैं उन नंबर्स में इस रिप्रेजेंटेशन को करना है, यानी कैसे रिप्रेजेंट करना, a equal to 100, b equal to 36, ऐसे सेकंड पार्ट इस है 1032 एंड b equal to 206, थर्ड पार्ट है a equal to 2236, b equal to 996, फोर्थ पार्ट है a equal to 10432 एंड b equal to 346। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड आउट करना क्या, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए आप इन फॉलोइंग नंबर्स को क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहां पे a इक्वल टू 504, b इक्वल टू 1188, यहां पे आपको देखना है कि a लेस है b ग्रेटर है, तो कोई भी हो सकता है, b लेस हो सकता है, a लेस हो सकता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे a लेस है तो आपको b इक्वल टू aq plus r के रूप में रिप्रेजेंट करना है, यदि b लेस है तो a इक्वल टू bq plus r के रूप में रिप्रेजेंट करते होंगे और इनको आप scf फाइंड आउट कर सकते हैं। scf हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक अनदर नाम भी, अनदर नेम के रूप में भी जानते हैं, क्या होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इनसे आप फैक्टराइजेशन के मेथड से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में आपने इसको रीड किया होगा पीछे, लेकिन नाम से नहीं रीड किया होगा, उससे आपने फाइंड आउट करना नेमिंग के द्वारा भी, लेकिन आगे जैसे ही मैं आपको अगले वीडियो में अथवा अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि एचसीएफ को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, अतः इन नंबर्स में एचसीएफ फाइंड आउट करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिसका सलूशन आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो इन्हें आप नोट करके और घर पे प्रैक्टिस करें, यदि कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी बातें भी लिख के भेज सकते हैं। तो यह जो भी था आपका पहला वीडियो, इसमें हमारी तरफ से